मैं आप लोगों के साथ एक नई सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और उसका नाम है मैंगो कोकोनट लड्डू। ये समर स्पेशल स्वीट है और इसको मैंने खुद डिस्कवर किया है। तो वीडियो को फुल देखें और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और ताकि आपको आगे भी इस तरह की इंटरेस्टिंग रेसिपीज की अपडेट्स टाइम पे मिलती रहे। ये मैंने लो कैलोरी मैंगो कोकोनट लड्डू बनाया है तो ये हर कोई खा सकता है आराम से, बिल्कुल बेफिक्र होके। और मेरे वीडियो को जरूर जरूर अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर मेरी रेसिपी को सीखे और उसे बना सके। तो चलिए बनाना सीखते हैं मैंगो कोकोनट लड्डू लो कैलोरी वाला। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे क्या क्या लिया है। यहाँ पे मैंने आधे नारियल को ग्रेट करके ले लिया है, एक आम का पल्प बनाया है मैंने, एक आम को पीस लिया है मतलब कट करके, और यहाँ पे मैंने एक कप सूजी का लिया है, कुछ मैंने पिस्ते लिए हैं उसको मैंने क्रश कर लिया है, यहाँ पे मैंने इलायची ली है चार, इसको हम पाउडर कर लेंगे, शुगर फ्री लिया है मैंने, और यहाँ पे मैंने डबल टोंट अमूल का दूध लिया है लो फैट वाला। तो सबसे पहले एक कढ़ाई को हम गरम करेंगे और उसमें डाल देंगे हम 1 टेबलस्पून के अराउंड देसी घी का। और अब हम इसमें डाल देंगे सूजी, सूजी को हम इसमें भूनेंगे लो फ्लेम में, धीमी आंच में हमें इसे हल्के हल्के हाथों से इस तरह हिलाते रहना है और इसे अच्छे से भून लेना है ताकि हमारी सूजी कच्ची ना रहे और फ्लेम हमें लो ही रखना है। जब सूजी भुनने लगेगी तो इसमें से एक अच्छा सा खुशबू आने लगेगा, तो बस तब हम इसमें डाल देंगे नारियल का बुरादा। यहाँ पे मैंने नारियल, फ्रेश नारियल को आधा नारियल लिया है उसको मैंने ग्रेट करके इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश नारियल नहीं है, अगर आपके पास डेसिकेटेड नारियल है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, इससे एक अच्छा सा फ्लेवर भी आएगा आपके लड्डू में और इसमें बाइंडिंग में भी इसको सपोर्ट करता है। जब हम इसमें मैंगो पल्प डालेंगे तो बाइंडिंग के लिए सूजी और नारियल हेल्प करेगा। इस तरह जब 2-3 मिनट तक हम इसे भून लेंगे अच्छे से लो फ्लेम में, और फिर हम इसमें डाल देंगे 1 कप मिल्क। दूध की क्वांटिटी हम ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमारा मैंगो पल्प ही लिक्विड ही होगा और दोनों मतलब बाइंडिंग के लिए फिर मुश्किल हो जाएगा आपको, तो इसीलिए हम थोड़ा सा ही दूध डालेंगे और अगर आपको ज़रूरत होगा तो आप ऐड कर सकते हो। अब हम इसमें शुगर फ्री डालेंगे, शुगर फ्री को हम एक कटोरी में ले लेंगे। यहाँ पे मैंने 4 लिए हैं 4-5, आप ले सकते हो जितना आपको मीठा पसंद है। और इसमें हम थोड़ा सा गुनगुना दूध डालेंगे और इसे मिला लेंगे, ये अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो जाएगा। तो जब हम इसको मिक्सचर में डालेंगे तो वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा, कहीं एक ही जगह में ढीला बन के नहीं रहेगा। और अब हम इसको इसमें डाल देंगे मिक्सचर में और इसे मिला लेंगे। अगर आप शुगर फ्री की जगह चीनी से बनाना चाहते हो तो चीनी भी डाल सकते हो, मगर ध्यान ये रहे कि ये आम से हम बना रहे हैं तो आम में भी मिठास होती है, तो आप मीठा थोड़ा कम ही डालें इसमें। और ये अब हम इसमें डाल देंगे मैंगो पल्प, ये मैंने दशहरी आम का यूज़ किया है, ये बहुत ही टेस्टी यमी सा आम है, तो आपके पास जो भी आम है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं वैसे। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। आम का पल्प डालने के बाद हमने ज़्यादा इसे पकाना नहीं है, एकदम लो फ्लेम में हम इसको 2 मिनट के लिए थोड़ा सा पकाएंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स्ड हो जाए सूजी नारियल और आम। फ्रेंड्स, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और ये मैंने अब डाल दिया इसमें इलायची का पाउडर,
इलायची का पाउडर हम एकदम लास्ट में डालेंगे और गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और इस मिक्सचर को ठंडा होने के लिए अब हम एक प्लेट ले लेंगे और उस प्लेट में हम ये सारा मिक्सचर रख देंगे। ये हम सारे मिक्सचर को हम एक प्लेट में रख दे रहे हैं। इसे हम फैला देंगे और सिर्फ 2-3 मिनट तक इसे हम ठंडा होने देंगे। ज़्यादा ठंडा हमें उसे नहीं करना है, वरना फिर आप लड्डू बनाने में मुश्किल हो जाएगा। तो हम इसे तुरंत ही बना लेंगे। एक कटोरी में हमने थोड़ा सा देसी घी ले लिया है। हम एक बूंद देसी घी का लेंगे अपने हाथ में, उसे सेंटर में डाल देंगे, अच्छे से लगा लेंगे हाथों में। और फिर हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे लड्डू के समान और हम लड्डू बनाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए हमने लड्डू बना लिया है और अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे पिस्ते के क्रश किए हुए टुकड़े रखे हैं, उसको हम ऊपर लगा लेंगे और ये हमारा मैंगो कोकोनट लड्डू रेडी है। इसको आप इंजॉय कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव और कलीग्स के साथ। और प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस रेसिपी को देखें और घर पर बनाएं और इसके मज़े ले सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे भी आपको इस तरह की रेसिपीज़ के अपडेट्स टाइम पे मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।